दोस्तों, आज मैं आपको साइटिका के दर्द से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देने जा रही हूँ। ये आपकी दबी हुई नस है, साइटिका के दर्द है या फिर स्लिप डिस्क है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या नसें जो हैं दब गई हैं, उसमें गुच्छे पड़ गए हैं दोस्तों, तो रामबाण नुस्खा आपके लिए साबित होगा। 99% गारंटेड मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपने इस नुस्खे को बताए गए अनुसार किया तो 99% आपको साइटिका की परेशानी से पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी। इसमें होने वाले दर्द में आपको तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। इसे बताए गए अनुसार आप करते हैं दोस्तों तो ये बीमारी आपकी ख़त्म ही नहीं होती, जड़ से ख़त्म हो जाती है, जो दोबारा कभी भी नहीं उभरती। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि वो की चीज़ है क्या जिसे आप इस्तेमाल करके साइटिका की परेशानी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। इसमें जो दर्द होता है दोस्तों, कमर के जो कूल्हे पे होते हैं वहाँ पर साइटिका नस होती है, उस नस के दब जाने की वजह से ये दर्द हमारे कूल्हों से होता हुआ पैर के नसों तक का जाता है। ये साइटिका नब जो होती है कई कारणों से इसे दब जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है अचानक कोई चीज़ उठा लो तो ये साइटिका नस जो होती है ये दब जाती है, या हमारी जो होती है इसमें ब्लड का प्रवाह ठीक से नहीं होता जिससे ये दर्द उभरने लगता है। कभी कभी होता है हमारा पोस्चर, हमारा उठना बैठना, सोने का जो तरीका होता है उसकी वजह से भी ये साइटिका की परेशानी जाती है। कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ भी जब नसों में कमजोरी आने लगती है तो भी ये साइटिका की परेशानी हो जाती है। कई कारणों से होता है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको जो नुस्खा देने जा रही हूँ इसे आप एक बार करके देखिए, पूरी तरह से ईमानदारी से करेंगे तो 99% जैसे हमने कहा है, आपको गारंटी ले रही हूँ कि पूरी तरह से आपको इस दर्द से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारे परहेज भी बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। स्किप करेंगे तो आपको पूरी नॉलेज ठीक से नहीं पता चल पाएगी। तो चलिए बताती हूँ कि वो चीज़ है क्या। दोस्तों, ये है वो जादुई ड्रिंक जिसे आपको सिर्फ दिन में 2 बार पीना है। 2 बार पीने से ही कितनी भी पुरानी आपकी साइटिका की परेशानी होगी, या स्टार्टिंग है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, आपके दर्द है कमर में घुटनों में, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। दबी हुई नसें जो होती हैं, नसों में गुच्छे पड़ जाते हैं, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। ये आपके इंग्रेडिएंट जो है आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ ये चीज़ है क्या। पहली चीज़ देखिए दोस्तों, ये पहली चीज़ आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं हम गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन जो होता है खून को पतला करने का काम करता है, दबी हुई नसों को ये खोलने का काम करता है, जो गुच्छों पड़ जाती है नसों में, दबाव पड़ जाती हैं उनको भी ये ठीक करता है। लेकिन दोस्तों, लहसुन का सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। जो मात्रा मैं आपको बताऊंगी उसी के हिसाब से आपको बनाना है, जिससे आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना मिले और आपको इससे 100% आराम मिले। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ हमको लेनी है 3 कलियाँ लहसुन। 3 कलियाँ लहसुन के अलावा दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों क्या है। सारे इंग्रेडिएंट ध्यान से कहीं नोट डाउन आप कर लीजिए। दूसरी चीज़ है अदरक, जिसे हम जिंजर कहते हैं दोस्तों। जिंजर भी जो होता है दबी हुई नसों को खोलने का काम करता है, ये बहुत ही फायदेमंद है। शरीर के अंदर कैसे भी गठान हो, गुच्छे हैं, उनको भी खोलता है। तीसरी चीज़ देखिए दोस्तों, हल्दी। हल्दी अगर आपको कच्ची मिले तो आप इस रेमेडी में उसी को यूज़ करिएगा। मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं थी इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए जो प्योर हल्दी आती है, अगर आपको कच्ची हल्दी ना मिले तो इस तरह से जो हल्दी खा रहे हैं ये सूखी वाली हल्दी लेंगे। आप इसी को घर में ही कूट के तैयार करेंगे, पिसा पिसाया पाउडर नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो पाउडर में कई सारे केमिकल भी ऐड होते हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो आप इस तरह से हल्दी, खड़ी हल्दी लीजिए या फिर कच्ची हल्दी लीजिए। आपको लेना सिर्फ 1 इंची का हल्दी। सारी चीज़ें देखिए, 1 इंची हल्दी लेंगे, 1 इंच का अदरक लेंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो नेक्स्ट चीज़ है, ये आपको चौथी चीज़ जो दिख रही है, इसे कहते हैं दालचीनी। दालचीनी भी गजब का फ़ायदा करता है दोस्तों, स्लिप डिस्क के लिए या साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो आपको इसको भी 1 इंची का ही स्टिक यूज़ करना है। 1 इंची हल्दी है, 1 इंची ये दालचीनी का स्टिक है, और 1 इंची का अदरक। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और इसको हमें कैसे बनाना है और किस तरह से इसका उपयोग करना है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ देखिए खड़े हैं तो इनको हम सबसे पहले अदरक को छील लेते हैं, लहसुन को छील लेते हैं, इनको छील लेंगे, और हल्दी को हम घर में ही इसी तरह कूटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लिया है ना, कूटने वाला जो मसाला कूटते हैं, इसमें आप हल्दी को अगर कूटेंगे तो आराम से कूट जाता है। इसे कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम पाउडर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाता है तो पानी में हमें इसका बनाना है काढ़ा, तो वो आराम से उसके अंदर उसका जो फ्लेवर होता है, जो इसके तत्व तो हैं, आराम से पानी के अंदर आ जाएंगे। तो अदरक को पहले छिलके को हम उतार देते हैं और 1 इंची का ही अदरक यूज़ करेंगे, और 1 हल्दी देखिए ये भी 1 इंची का है। तो सबसे पहले हल्दी को देखिए हम कूट ले रहे हैं, इसी तरह आपको भी घर में ही तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से, अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में छोटा छोटा इसे तोड़ के और फिर मिक्सी में
में इसका पाउडर बना के जो रखेंगे उस पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से कूट के आप तैयार करके भी बना लीजिए, जैसे भी आपको आसान लगे उस तरह से लीजिए। या फिर कच्ची हल्दी है तो 1 इंची का कच्ची हल्दी भी इसी में कूटेंगे, क्योंकि अदरक भी देखिए कच्ची ही है, लहसुन भी कच्ची है, आप उसी के साथ कच्ची हल्दी लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम पानी ले रहे हैं, 1.5 गिलास पानी लेना है आपको, एक नॉर्मल ग्लास लीजिए उसे 1.5 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास हमने देखिए डाला, 1/2 गिलास और डालेंगे। पानी जो है जब 1 गिलास रह जाए उतना हमें इसको पकाना है, तो 1.5 गिलास इसीलिए डाल रहे हैं कि 1/2 गिलास पानी हमें पूरी तरह से पका देना है। इसमें देखिए जो मिक्सचर हमने कूट के तैयार किया है, अदरक को, लहसुन को, और यहाँ पे दालचीनी था और हल्दी था, उसको इसी तरह से देखिए कूट दिए हैं। अब इसको हम इसी पानी में पूरा जितना हमने लिया ना 1-1 इंची का, इसे आपको एक टाइम के लिए बता रही हूँ, दूसरे टाइम पर आपको बनाना है तो इसी तरह से आप कूट के या तो पहले ही रख लीजिए दोनों टाइम के लिए, या फिर जब आप बनाना हो तो इसी तरह से आप फटाफट कूट के तैयार कर लीजिए। तो जितना मिक्सचर देखिए बनाया था पूरा का पूरा इसमें हम डाल देंगे। ये आपको सुबह के लिए लेना है। अब सुबह कब लेंगे ये भी मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगी, बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि कब आपको इसका सेवन करना है। देखिए दोस्तों इसको डाल दें, अब इसको हम गैस पे रख देते हैं और सबसे पहले गैस को हम हाई पे करके इसे एक बॉयल आने देते हैं। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके आँच को हम मीडियम पे कर देंगे और इसे 1/2 गिलास जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला था उसी 1/2 गिलास पानी को पूरी तरह से जल जाने देते हैं। यानी इतना हमको पकाना है कि जब आपको 1 गिलास पानी लगने लगे कि 1 गिलास हो गया है तब आप गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें और चीज़ क्या डालना है, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर दोस्तों आपने इस तरह से बना के नियमित रूप से सिर्फ 7 दिन किया तो आप देखेंगे जो आपकी जो साइटिका की दर्द है ना, आपको पहले दूसरे दिन में ही दर्द में बहुत आराम मिलेगा और 1 हफ्ते के अंदर आपको लगने लगेगा, खुद से आपको लगने लगेगा कि आपको कितना चमत्कारिक रिजल्ट मिला है। और दोस्तों इसे लगातार 15 दिन करिए, अगर आपको इससे पूरा पूरा फ़ायदा मिल रहा है कि हाँ आपके दर्द में आराम हो रहा है, तो इसे 15 दिन लगातार ज़रूर करिएगा। ये देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं 1 गिलास पानी बचा हुआ है। अब इसके जो अर्थ थे वो पूरी तरह से इसके अंदर आ गए हैं। अब इसको पानी को थोड़ा सा हम देखिए बॉयल कर चुके हैं, अब थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, क्योंकि इसे गरम गरम बिल्कुल नहीं पीना है, ये नॉर्मल आपको बिल्कुल पानी कर देना है, एकदम ठंडा भी नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन पर इसे आसानी से आप पी लीजिए। तो अब ये पक चुका है, चलिए इसको हम छान लेते हैं ग्लास में। दोस्तों अब ये देखिए छान लिए हैं, अब ये देख रहे हैं आप ग्लास में जो आया है, जिस ग्लास से हमने मेज़र किया था वो 1 गिलास के लगभग ये हमारा जूस बनके तैयार हुआ, यानी जो काढ़ा हमने बनाया है ये एक तरह का ड्रिंक है, ये 1 गिलास के लगभग है देखिए। और ये जो मिक्सचर बचा हुआ है इसको इसी तरह से इसी पतीले को ढक के रख दीजिए और जब शाम के टाइम पे आप बनाएंगे तो इसी में ही और ऐड कर दीजिएगा और बन जाएगा आपका, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ तत्व बचे हुए हैं जो आपके यूज़ में आ सकते हैं। इसको फेंकिए मत तुरंत ही, अभी देखिए बहुत गर्म है ना, तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या डालेंगे। पहली चीज़ है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें कैसे लेना, जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें कैसे लेना, ये भी चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए एक नॉर्मल ग्लास हमने लिया है, 1 गिलास के करीब ये हमारा पानी बन के तैयार हुआ है। अब ये पानी को बिल्कुल इसे गर्म गर्म ही नहीं पीना है, इसको आपको नॉर्मल करके पीना। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच शहद, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो शहद पिए नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या है आप थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल के आप इसे ले सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग शहद डाल के लीजिए। दोस्तों शहद डालने से इसको आपका इसका जो फ़ायदा है ना आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, 1 चम्मच शहद डालने के बाद ही आप इस ड्रिंक को पियेंगे। और इसे कब पियेंगे, जब सुबह आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 1/2 से 1 घंटे के बाद आप इस ड्रिंक को पीजिएगा सुबह के टाइम पर। इसी तरह से रात के टाइम पे भी खाना खाने से 1/2 से 1 घंटे के बाद आप इस ड्रिंक को इसी तरह से हनी डालेंगे, जब पीना होगा तब भी आप हनी डालिएगा। इसको छान के इस तरह थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद जब आपको पीना हो तो 1 चम्मच शहद डालिए, इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसे पी लीजिए, आराम से पी लेंगे, इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं लगेगा। मैंने पर्सनली इसको पी के देखा है, इसका टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं होता कि आप इसे पी ना पाएँ। तो धीरे धीरे करके नॉर्मल जब रहेगा तो आसानी से आप पी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच हम हनी डाल दे रहे हैं। इसको डालने के बाद दोस्तों इसको आप 2 टाइम पे ज़रूर पीजिए और लगातार 7 दिन ज़रूर करिए। 7 दिन करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आपके इस दर्द से, साइटिका के दर्द से कितना राहत मिला। इसके अलावा दोस्तों साइटिका के दर्द को ठीक करने के लिए, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसको आपको करना चाहिए। उसमें पैर के एक्सरसाइजेज होते हैं, अगर आपकी साइटिका की दर्द बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल कंडीशन पर है, तो आप कोई भी प्रेशर डाल के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आराम से लेट के धीरे धीरे पैरों को उठाने का काम करेंगे।
अप एंड डाउन करेंगे, लेट के बिस्तर पे ही लेट के धीरे धीरे पैर को उठाइए और फिर धीरे धीरे ही पैर को नीचे रखिए। इस तरह से पैर को उठाने का काम करिए। पंजों के बल पे, पंजों की जो उंगलियाँ होती हैं उनके बल पे अपने एड़ियों को उठाते हुए दीवार के सपोर्ट से खड़े होने की कोशिश करिए। कुछ देर के लिए अपने जो पाँचों फिंगर होती है ना पैर की, उसके बल पर आप खड़े होने की कोशिश करिए, किसी दीवार का सपोर्ट लेके। इस एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे 4 से 5 बार स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार करिए और इस तरह से 10 बार करने की प्रक्रिया आप शुरू करिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस स्लिप डिस्क में दर्द है या फिर सार्टिका के कारण आपके नसों में दर्द है तो आपके लिए सिकाई बहुत ज़रूरी है। सिकाई में आप एक भगोने में पानी डाल दीजिए, उसमें सेंधा नमक डालिए और सेंधा नमक अच्छे से जब गल जाए तो पानी को हल्का सा नॉर्मल करके किसी कॉटन से, किसी कपड़े के हेल्प से अपने कमर से लेके पैर तक के, जहाँ तक के नसों में दर्द होती है वहाँ से आप सिकाई ज़रूर करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, सिकाई में आप इस तरह से सेंधा नमक की भी सिकाई कर सकते हैं। अल्टरनेटली सिकाई भी आपको बहुत ज़रूरी है करना। जैसे एक बार आपने इसको गर्म सेक किया, उसके बाद आप एक बार बर्फ़ से भी सेक सकते हैं। आइस ले लीजिए, आइस के कुछ पीसेस, उसे पॉलीथीन में या फिर कपड़े में पोटली बना के कमर से लेके पैर तक की सिकाई करिए। अल्टरनेटली एक बार ठंडा एक बार गर्म से सिकाई करेंगे दोस्तों, तो ये जो नसों के गुच्छे होते हैं वो भी पूरी तरह से खुल जाते हैं। दोस्तों, सार्टिका के बारे में ऐसी कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए आज की जानकारी यहीं तक। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसमें सिकाई के लिए अलग से बताएंगे, एक तेल बताएंगे जो बहुत मिरेकल होता है दर्द में लगाने के लिए। इसके अलावा खाने पीने में आपको क्या क्या चीज़ खानी चाहिए जो दवा की तरह काम करता है और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, ये सारी वीडियोज़ मैं आपको सीरीज से बना के दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है सार्टिका के लिए, तो आप इसका यूज़ करिए दोस्तों, 7 दिन ज़रूर करिएगा बिना गैप के हुए, बताए गए अनुसार 2 बार इसे ज़रूर लीजिए। 2 बार लेने से ही आप देखेंगे आपकी जो परसों पुरानी सार्टिका की परेशानी थी, जो दर्द है, असहनीय पीड़ा है, उससे आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सार्टिका के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसकी और भी रेमेडीज आप जानना चाहते हैं कि इसकी सिकाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, तेल कौन सा यूज़ करें, एक्सरसाइज कौन सा यूज़ करें, एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है इसके लिए, ये सारी वीडियोज़ मैं आपको दूँगी, बहुत जल्द ही देने वाली हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।